नमस्ते ऑल वेलकम बैक टू आर चैनल जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे होम ऑर्गेनाइजेशन किचन टिप्स एंड थोड़ी बहुत डेकोरेशंस कर रही हूँ मेरे इस घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ आज मैं डेकोरेट करने वाली हूँ मेरा डाइनिंग टेबल जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से करूंगी क्योंकि मेरा ये जो रूम है ये रेंटेड अपार्टमेंट है यहाँ पर हम अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें जिससे हमारा घर ऑर्गेनाइज लगे नीट एंड क्लीन लगे इस वक्त जो मेरा डाइनिंग टेबल है वो बहुत ज्यादा मैस हो रखा है है तो इसे क्लीन करने जा रही थी सोचा क्यों ना आपके साथ भी मैं शेयर करूँ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो फ्रेंड्स ये है मेरा डाइनिंग टेबल हमें जो भी सामान मिलता है वो सब हम इस पे ला के रख देते हैं तो फटाफट से सब मैं अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर देती हूँ और यहाँ पे चेयर्स लगा देती हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान है डाइनिंग एरिया पे तो ध्यान रहे कि आप जो भी सामान जहाँ से लें आप उसे वहीं रखें तो मैं मेरी आदत जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से ख़राब है मैं सब डाइनिंग पे रख देती हूँ अब मैं इसे क्लीन कर रही हूँ तो क्लीन करने से पहले मैं सारे चेयर्स को अपने अपनी जगह पर लगा दूंगी जैसे कि ये राउंड टेबल है इसके पास चार चेयर्स रखी हुई थी जो यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी तो मैंने अभी सारे चेयर को अरेंज कर दिया है अब जैसे कि इस पर इतने सारे सामान थे तो मैं इसे सबसे पहले स्प्रे करके क्लीन कर लूँगी सारे चेयर को भी एंड राउंड टेबल को भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं अगर आपका वेदर विंडी है तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो ही जाते हैं तो इसे सबसे पहले आप क्लीन कर लीजिए तो so क्लीनिंग के बाद आप अपने डाइनिंग एरिया को ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप फ्रूट बास्केट रखिए ये स्टील के फ्रूट बास्केट आपको इजीली एमेज़ोन पर मिल जाएंगे तो इस तरह से फ्रूट बास्केट रखने से आपका जो डाइनिंग एरिया है वो कंप्लीट एंड थोड़ा यूनिक लगता है और आई थिंक ये आ, सबसे बेस्ट आइडिया है अपने डाइनिंग एरिया को डेकोरेट करने का तो इस तरह से आप फ्रूट बास्केट रखिए इससे क्या होता है फ्रूट सामने होता है तो हमें एक या दो फ्रूट्स तो हम खा ही लेते हैं नेक्स्ट इज आप टेबल मैट भी रख सकते हैं ये टेबल मैट भी आपको अमेजॉन पे मिल जाएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी टेबल मैट रखने से क्या होता है कि आपका जो टेबल है वो थोड़ा अच्छा भी दिखता है लुक वाइज भी और डाइनिंग एरिया पे आप जो भी कुछ खाते हैं उससे आपके टेबल मैट पे ही गिरता है ना कि टेबल पे तो इससे आपको सिर्फ मैट को क्लीन करना होगा और ये टिप ज़रूर फॉलो करें नेक्स्ट इज आप अपने डाइनिंग एरिया पे सिंपल सा डेकोरेशन चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक सिंपल सा मैट लीजिए जो डेकोरेटिव हो जिससे आप इस पर राउंड टेबल पे राउंड मैट ज़्यादा अच्छा लगता है तो वैसे ही आप राउंड मैट ले लें और इसे इस तरह से प्लेस कर दें और इसके ऊपर कोई भी फ्लावर वास रखें या फिर कोई भी डेकोरेटिव आइटम आप रख सकते हैं इससे आपका जो डाइनिंग एरिया का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव भी लगेगा सिंपल यूनिक एंड बहुत ही एलिगेंट भी दिखेगा तो इस तरह से आप अपने डाइनिंग एरिया को डेकोरेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो आई होप आपको आ, मेरा ये छोटा सा टिप और छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो काफ़ी सारे टेबल मार्च्स आपको अमेजॉन पे मिल जाएंगे जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वो चेक कर सकते हैं तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी इन केस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का हिस्सा बन जाइए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाती रहूंगी अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में बाय